हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज फ्राइडे है तो हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के किसी टॉपिक के बारे में, और आज का टॉपिक है दिवाली बोनस को कैसे इन्वेस्ट करें, क्या करें मतलब उसके साथ। ठीक है, नहीं मिला ना आपको अगर दिवाली बोनस, तो मुझे भी नहीं मिला है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, दिवाली फिर भी हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और इन्जॉय करेंगे और अच्छा काम करते रहेंगे। आई एम श्योर दिवाली बोनस सबको जल्दी ही मिलेगा, और अगर आपको मिला है तो वीडियो ज़रूर देखिए और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ कि दिवाली बोनस टाइप के जब लमसम मिलता है हमें तो हम उसको कैसे यूज़ करना चाहिए। उससे पहले दिवाली आई है तो पहले तो सबको शुभ दीपावली, राइट। और आपको पता है कि हाईएस्ट एवर डिस्काउंट वी आर ऑफरिंग ऑन अवर रिसर्च प्रोडक्ट्स, राइट। मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर 60% डिस्काउंट दे रहे हैं, साथ में फ्री ई लर्निंग कोर्सेज भी मिल रहे हैं, राइट। तो अगर आप कॉम्बो में लेते हैं तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट भी ज़्यादा मिलता है और ई लर्निंग कोर्सेज भी ज़्यादा फ्री मिलते हैं। अगर आप सिर्फ मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइब करते हैं तो 60% डिस्काउंट प्लस आपको एक ई लर्निंग कोर्स बिल्कुल फ्री मिलेगा ऑन स्टॉक्स। तो नीचे आपका कोड चल रहा होगा तो उसको यूज़ कीजिए, ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, और हाईएस्ट अब इतना डिस्काउंट हमने कभी नहीं दिया है पहले, और ना ही वापस आने वाला है। ठीक है, सिर्फ दिवाली के लिए ही फोकस रहता है, तो आप ज़रूर इसको यूज़ कीजिए। और आगे हम बात करेंगे अपने कि हम दिवाली बोनस का करें क्या। तो पहला तो क्या करना है, सबसे पहले अगर दिवाली बोनस आया है तो लमसम पैसा आया है, सपोज 1 लाख रुपीज एग्जाम्पल, सबसे पहले तो ये देखो कि इमरजेंसी फंड इनफ है या नहीं है। ठीक है, जैसे 6 months ऑफ एक्सपेंसेस तो मिनिमम, अगर आपका थोड़ा सा हाई रिस्क जॉब है या फिर आप क्या कहते हैं मेरी तरह एंटरप्रेन्योर हो तो मिनिमम 12 months का एक्सपेंसेस विद EMI वगैरह सब इंक्लूड करके बोल रहा हूँ मैं, तो उतना हमारे पास इमरजेंसी फंड है या नहीं है, तो ये पहला क्वेश्चन होना चाहिए। नहीं है ना तो वो पूरा बोनस इमरजेंसी फंड के लिए यूज होना चाहिए, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, खत्म, डिस्कशन ओवर। ठीक है, सेकंड, इमरजेंसी फंड है अगर तो सेकंड चीज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस इनफ है। कोविड टाइम देख लिया है गाइज, हमने रिस्क देख लिया है लाइफ पे भी हेल्थ पे भी, 2 साल हमने समझ लिया है, हमने रिलेटिव्स फ्रेंड्स को देख लिया है, हम बचे हुए हैं भगवान की कृपा से, लेकिन हर बार एवरीवन कैन नॉट बी लकी, राइट, कुछ भी हो सकता है, और बहुत खराब समय देखा है एज ए हमने कंट्री एज ए वर्ल्ड। तो टर्म इंश्योरेंस प्लान्स, ठीक है, जो भी आपकी थॉट प्रोसेस है, जो भी आपका इनकम लेवल्स है, आप हमारे प्रीमियम प्लान्स वगैरह भी ले सकते हैं ऑनलाइन, तो आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कितना आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस कवर लेना है, वो आप बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाता है ऑनलाइन हमसे। ठीक है, तो वो चीज़ें आप वहाँ पर फिगर आउट भी कर सकते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस ले। और सिमिलरली हेल्थ इंश्योरेंस भी कंपनी के कवर के आउटसाइड, क्योंकि मोस्टली कंपनी का कवर 3 लाख 5 लाख रुपीज के आसपास ही रहता है मोस्टली। ठीक है, और फिर हम जॉब वगैरह चेंज करते हैं तो फिर हमें थोड़ा रिस्क रहता है, तो उसके अलावा भी मतलब मैं यही बोलता हूँ मोस्टली कि आपके पास थोड़ा बहुत, अगर अच्छा खासा कंपनी का कवर है तो 5 लाख का ले लो हेल्थ इंश्योरेंस कवर, या 10 लाख का ले लो, तो मतलब एक ठीक ठाक कवर अपनी जहाँ सिटी में रहते हो, किस टाइप के हॉस्पिटल्स हैं, फैमिली कितनी बड़ी है, कितना खर्चा है, कितना हमने मेडिकल कॉर्पस वगैरह रखा है, उस थॉट प्रोसेस से मेडिकल इंश्योरेंस लिया है या नहीं लिया, नहीं तो वो चीज़ें, वो भी लिया हुआ है, थर्ड जगह जाते हैं। ठीक है, तो थर्ड जगह जाएंगे तो अब हम बात करेंगे अपने एसेट एलोकेशन की। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास करंटली जो मेरी नेटवर्थ है, तो सपोज जैसे मैंने बोला 1 लाख रुपीज मेरे को इन्वेस्ट करने हैं, सपोज 10 लाख रुपए मेरे पास मेरी नेटवर्थ है। अब 10 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए सपोज म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में हैं, 2-3 लाख रुपए मेरे पास FDs पड़ी हैं या डेट फंड्स में पड़ा हुआ है जो भी, राइट, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए मेरे गोल्ड में पड़े हैं, राइट। तो इस तरह से हमारा कुछ कुछ परसेंटेज एलोकेशन है। अब इस एलोकेशन परस्पेक्टिव से मेरे गोल्स मीट हो रहे हैं क्या, मेरे रिटायरमेंट, चिल्ड्रन एजुकेशन, वो सब गोल्स मीट हो रहे हैं, वो कैलकुलेशन कर लो अगेन प्रीमियम प्लान, बहुत ईजी है। ठीक है, वो जाके अपना ऑनलाइन आप देख सकते हैं, उस पर भी आपको क्या कहते हैं डिस्काउंट वगैरह, आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, वो आई विल गिव द बेस्ट, वैसे भी वो हम रेगुलरली उस पर लेके आते हैं, तो वहाँ पर जाके आप एटलीस्ट एक बेसिक चीज़ें समझ आ जाएंगी कि हाँ यार इतना मेरे को एसेट एलोकेशन मेरा होना चाहिए, मतलब इतना मेरे को डेट में एलोकेशन लेना चाहिए, इतना इक्विटी में एलोकेशन लेना चाहिए, इतना आइडिया लग जाएगा आपको। तो वो एलोकेशन के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए कि अगर आपको लगता है कि भाई मेरा जो नेटवर्थ है ना 10 लाख रुपए, जो एटली 5 लाख रुपए तो इक्विटी में होने चाहिए लगता है, अगर आप 30 या 35 ईयर ऐसे मतलब यंग है तो आपको लगेगा कि हायर इक्विटी में एलोकेशन थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अभी 30 है 50 करना है, तो अब जो लमसम आया है वो इक्विटी में ही डालो,
काफी सारे दूसरे भी मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग अपने बहुत सारे किए हैं, तो दूसरे भी लोग होते हैं कि बहुत ज्यादा इक्विटी एलोकेशन ले लेते हैं। आई हैव लॉट ऑफ एनआरआईज क्लाइंट जो डेट वगैरह ज्यादा एलोकेशन रखते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ईपीएफ वगैरह भी नहीं कटता उनका, तो कुछ भी नहीं है, तो बाहर से कर रहे हैं काम, तो वो 80-90% इक्विटी एलोकेशन ले लिया हुआ है ऑलरेडी। तो उस केस में आप डेट एलोकेशन लो फिर थोड़ा, ठीक है, इस लमसम से। तो एलोकेशन के हिसाब से बढ़ाना है, कम करना है, किसको क्या करना है, उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करो। चौथा इसी से रिलेटेड है, अगर इक्विटी एलोकेशन में इन्वेस्टमेंट का प्लान बना कि हाँ यार स्टॉक्स में डालता हूँ, म्यूचुअल फंड्स में डालता हूँ, तो करंट मार्केट जैसी चल रही है, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी, रिसेशन की बात आई एम श्योर आप सब सुन रहे होंगे, करेंसी डिप्रिशिएट हो रहा है, यूके में रिसेशन आ रहा है, यूरोप में आ रहा है, एनर्जी प्राइसेस, सब चीजें हम सब सुन रहे हैं, राइट? तो सबको थोड़ा सा कंसर्न है क्या होना है, मार्केट हमारी तो इतनी ज्यादा नहीं गिर रही है लेकिन ग्लोबल मार्केट्स बहुत गिरी हुई हैं, तो क्या है, हमारी भी गिरेगी क्या? तो ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में भी होंगे, हमारे दिमाग में भी है। शॉर्ट टर्म में कोई मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, तो उस केस में हमें, अगर हमें म्यूचुअल फंड्स में डालना है, इक्विटी में डालना है, स्टॉक्स में डालना है, तो एक साथ पैसे मत डालो। जो ये लमसम आया है ऐसा नहीं है एक साथ डाल दिया, डोंट डू दैट, ठीक है? तो थोड़ा स्टैगर कर लो, एटलीस्ट 6 मंथ्स का स्टैगर कर लो कि ठीक है, सपोज जैसे मैंने बोला 1,00,000 रुपये आया हुआ है, 15,000 रुपये एक 6 महीने में डाल दो, ठीक है? और नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक साथ पहले 30,000 रुपीज़ डाल दिए, फिर 10,000 रुपीज़ नेक्स्ट 7 मंथ्स में डाल दिए। तो इस तरह से भी हम चीज़ें प्लान कर सकते हैं, ठीक है? तो ये स्टैगर वे में ही डालिए, क्योंकि मार्केट्स वोलेटाइल हैं, और अगर गिर गई तो एटलीस्ट हमें एज अ बिहेवियर मैनेजमेंट अपना एक मन में आता है कि ठीक है यार मार्केट गिर रही है, अभी भी पैसा डल रहा है, राइट? और बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें पता नहीं चल रही है, इन्फ्लेशन वगैरह का थॉट प्रोसेस आपको पता ही है, मार्केट में क्या चल रहा है, बहुत बात करते हैं इस बारे में, तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखिए। तो इस तरह से अपना पैसा जो है थोड़ा सा स्टैगर वे में जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बचा है कि दिवाली लमसम के हिसाब से आपका कोई कस्टमाइज अपना पर्सनलाइज केस है, ठीक है, तो प्लीज़ नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर मैं रिप्लाई कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर उसको एटलीस्ट आई विल ट्राई कि आपका बेस्ट हेल्प कर पाऊँ, नहीं तो आप हमें contact@investorinnow.in पे वेबसाइट पे जाके इन्वेस्ट उस पे भी जाके ईमेल भी कर सकते हैं, और अगर आप हमारे कस्टमर हैं तो आपको पता ही है टॉक टू अस का ऑप्शन भी है वहाँ पे, तो वहाँ पर आप अपने आई एम श्योर क्वेश्चन डालते ही रहते हैं, और अगर आप वहाँ डालेंगे तो द टीम और आई विल रिप्लाई टू दैट क्वेरी एज वेल। कुछ टॉपिक अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत सारे लोग तो वीडियोज़ को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर लो, सब्सक्राइब करने में तो कुछ भी नहीं है, फ्री है, ठीक है? तो सब्सक्राइब कर लो। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आते हैं, ठीक है, बेल आइकन मत दबाओ, सब्सक्राइब तो कर लो, ठीक है, इतना तो कर सकते हैं, ठीक है? दैट इज़ ऑल आई हैव, ठीक है? और गाइज हैव ए वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू यू, और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं ज़रूर दीजिएगा। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।